यहाँ पर ह्यूज साइज बड़ा कुकर है। ये क्या और ओल्ड जमाने का डेक है, बट ये ब्लूटूथ वाला है, ये भी ब्लूटूथ वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सारे? उम्मीद करता हूं खैर होंगे इंशाअल्लाह। मैं हूं शेख मुमताज फुरकान और आप लोगों का बहुत बहुत खूबसूरत ब्लॉग में खुश आमदीद। आज हम आए हैं हदाया सेंटर। मामा ने चिकन कढ़ाई बनानी थी। हो सकता है आप लोगों को थोड़ी आवाज़ ना आ रही हो, हवा बहुत खूबसूरत चल रही है और मगरिब में तकरीबन कुछ आधा एक घंटा रह गया। सामने हमारे प्यार सा सनसेट हो रहा है, तो अभी हम लोग आए हैं कढ़ाई लेने के लिए। तो आप लोगों को इंशाअल्लाह अंदर करके थोड़ा मार्केट विज़िट भी कराते हैं और जो कढ़ाई लेनी है वो भी दिखाते हैं इंशाअल्लाह। कढ़ाई की रेसिपी भी शेयर करेंगे मामा के चैनल पे, लेकिन हम आपको थोड़ा बहुत उसके रिव्यूज़ और एक दो चीज़ें दिखाएंगे इंशाअल्लाह। तो बस इंशाअल्लाह अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या ले रहे हैं। सामने मौकफ है और वो अलबेक। अंदर चलते हैं। यहाँ पर बैक टू स्कूल के बड़ा सा बैनर लगा हुआ है, 10 to 70% ऑफ। अब बस इंशाअल्लाह अंदर चलते हैं और चल के आप लोगों को चीज़ें दिखाते हैं। बैक टू स्कूल का करके यहाँ पर बैग्स लगे हुए हैं और साइड पर सारा का सारा जो है वो कांच का केटल और इस टाइप की चीज़ें पड़ी हुई हैं। वो सब यहाँ पर बैक टू स्कूल का पूरा मुजम्मा लगा हुआ है, बैग्स लगे हुए हर तरह के। और लेकिन हमें चाहिए कढ़ाई, तो कढ़ाई के लिए हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर। ये लेडीज़ के लिए बने, उधर पीछे गाड़ियों वाले बैग भी हैं। यहाँ पर आ जाते हैं सारे तवे और देखते हैं। ये छोटे बच्चों के लिए बैग्स हैं, उनके लिए स्कूल टेबल है, वो अपने घर में जब पढ़ाई करते हैं ट्यूशन जाते हैं इस टाइप के, उनके लिए ट्रांसफॉर्मर्स के, पावर पेट्रोल के, लाइटिंग मैकवीन, बैटमैन, फुटबॉल। यहाँ पर सारी क्रॉकरी पड़ी है और सामने देखती हैं पड़ी है, देखती हैं माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पड़ी है। यहाँ पर वो स्टील की हैं और ये कलरफुल और डिज़ाइनेबल देखती हैं। यहाँ पर डोसा जो बना सकते हैं आप लोग, उस टाइप का तवा पड़ा है। डोसे की रेसिपी भी मामा से कहूँगा आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करें। यहाँ पर पौवे पड़े हुए हैं, ये सादे हैं, ये डिज़ाइन वाले हैं। ये बहुत बड़ा साइज़ है, सबसे छोटा साइज़ भी होता है। ये देखें छोटे साइज़ भी हैं, बड़े साइज़ भी हैं, हर तरह के साइज़ पड़ा है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर छुरी तेज़ करने वाला है, स्पैचुलर है। यहाँ पर देगचियाँ पड़ी हैं सारी की सारी, इधर भी यहाँ पर भी देगची पड़ी हैं, लेकिन सेट पड़े हैं। कैसे? छोटी देगची, बड़ी देगची, तवा, चमचा, साथ होगा इसके। ऐसे ये बड़ी होगी, फिर से छोटी, उससे छोटी, फिर एक सॉस पैन होगा, साथ तवा होगा और ये चमचे पता नहीं किस देगची के पड़े हैं यहाँ पर। इस तरह करके सेट मिलते हैं। ये अच्छा, ये वाला जो है ना ये इसका पड़ा हुआ है, ये एक सॉस पैन, 1 2 3 4 5 6 आइटम्स इसके बीच में आएंगे। इसके ऊपर बैग टू स्कूल का लगा हुआ है और इसके प्राइस 389 रुपये। यहाँ पर देखती हूँ कि चमचे पड़े हैं स्टील के और ये मैक्रोनी वाले चमचे हैं, ये देखें। और यहाँ पर दूसरी चीज़ों के, ये पकौड़े शकौड़े निकालने के लिए, हम लोग इससे पकौड़े निकालते हैं, फ्रेंच फ्राइज और भी कामों के लिए यूज़ होता होगा। और यहाँ पर चमचे पड़े हैं, ये गोल्ड प्लेटेड है, जेनुइन 24 कैरेट गोल्ड, मजाक कर रहा हूँ। और यहाँ पर सारा स्टील पड़ा हुआ है, यहाँ पर छुरियाँ पड़ी हैं और यहाँ पर भी छुरियाँ पड़ी हैं। ये छोटे साइज़ का टोका पड़ा है ऊपर और प्यारी प्यारी सी पड़ी है। और यहाँ पर ये तेज़ करने वाला है, तेज़ कैंची है, इससे हड्डी तक कट जाती है, इतनी शार्प कैंची होती है ये। और यहाँ पर वैक्यूम पड़ा हुआ है और 3-4 चीज़ें हो रहे हैं। यहाँ पर स्पून स्टैंड पड़ा हुआ है, ये पता नहीं क्या है, आई थिंक सो छोटे साइज़ का हॉट पॉट होगा, उस टिफ़िन जैसे होते हैं। और फिर यहाँ पर भी देखती पड़ी हैं, वो आई थिंक इसके ऊपर ना शेड चढ़ा हुआ है, शीट चढ़ी हुई है, या हो सकता है जैनवन ब्लू कलर की हुई हो। और इधर आ जाते हैं तो यहाँ पर पड़ी हैं इस्त्रियाँ और स्टीमर्स, यहाँ पर सैंडविच मेकर, वॉफल मेकर और चूल्हे पड़े हैं इलेक्ट्रिक, अगर अपने कमरे में रखना चाहें। और इनकी भी रीज़नेबल प्राइजेस है माशाल्लाह, बहुत फिट है। लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, अदरवाइज सदाया सेंटर लिखेंगे तो कहीं पर भी निकल आएगी ये। यहाँ पर सारे सामने छोटे छोटे डेस्क पड़े हुए हैं, कैटल्स हैं, ये टोस्टर पड़ा है और सामने शवाया हम कहते हैं यहाँ पर, मतलब ग्रिल चिकन बना सकते हैं और भी बहुत कुछ बना सकते हैं। ये कैटल पड़ी है, इसमें आप शायद गहवा डाल सकते हैं। ये क्या ओल्ड ज़माने का डेक है, बट ये ब्लूटूथ वाला है, ये भी ब्लूटूथ वाला है। ये सारे ब्लूटूथ वाले पड़े हैं, इसमें से कोई भी कैसेट या ऑडियो वाला नहीं है, जिसमें से फ्रिक्वेंसी ये कैच करके और फिर आप लोगों को बताए। ये मुझे ज़्यादा प्यारा लग रहा है, इसमें घड़ी भी और ये भी ब्लूटूथ वाला है, एंटीक पीस, नाइस। ओ यार इसके साथ तो एंटीना भी है, बट ये वाकई हकीकत में ब्लूटूथ वाला है। ये वॉल्यूम अप डाउन वाला है इसका। और आगे मज़ीद से मज़ीद चीज़ें पड़ी हुई हैं।
एक्सटेंशन पड़ी है, लाइटर्स पड़े हुए हैं, और ये भी सारी सारी कैटल पड़ी है। कैटल बहुत प्यारी पड़ी है माशाल्लाह। उसके अलावा यहाँ पर सारी सारी ये शाही के होते हैं, ये वाले कप्स होते हैं ना, इसमें आप चाय डाल के पी सकते हैं, लिप्टन वाली, पुदीने वाली। इसमें रहता है गहवा, और ये सात प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स इनके लिए हैं, इसके साथ कोई प्लेट नहीं होती, ये ऐसे ही होता है। और इसके अलावा आगे साफ सफाई का सामान पड़ा हुआ है, और यहाँ पर डोसा भी है, डोसा मेकर भी कह रहे हैं हम लोग, और यहाँ पर वो क्या खाते हैं, इडली मेकर कह ले इसको, या पैन केक, वो पैन केक कह रहा हूँ, कप केक, या फिर कुछ भी कह लें आप लोग इसको यूज़ करते हैं। मैं जाता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ, मेरे घर वाले आगे निकले हैं। तो पर्पल कलर की, ग्रीन कलर की देखती हैं, नाइस। हमने इनकी ये बुक ले ली है जिसमें कि इनकी तमाम चीज़ें होंगी। बेसिकली हदायत सेंटर जो है ये एक होम डेकोर की जो है वो जगह है, होम डेकोर का शॉप है ये। साथ इसके माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात है, मस्जिद भी है कि एम्प्लॉयज़ आके यहाँ पर नमाज़ ही पढ़ सकते हैं। यहाँ से हमें एक्चुअली कढ़ाई नहीं मिली, आगे देखते हैं किस जगह पर आते हैं, वरना इस ब्लॉग में एंड करके कढ़ाई की रेसिपी और रिव्यूज़ नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह। दाय सेंटर ये दर और आदत है सिर्फ गैरली पे, क्योंकि वहाँ से तो हमें नहीं मिला, हो सकता है यहाँ से कुछ ना कुछ मिल जाए। ये भी सेम ही शॉप है, बट यहाँ पर बैग्स और इस टाइप की चीज़ें नहीं है, प्रॉपर क्रॉकरी और बर्तनों का ही सामान है, इसमें मिलते ही सिर्फ बर्तन है, हो सकता है यहाँ से हमें मिल जाए इंशाल्लाह। वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिजेस, और यहाँ पर मशीनें ही पड़ी हैं छोटे छोटे, इसमें आप मिल्क शेक्स बना सकते हैं बड़े आसानी से। यहाँ पर भी इस्त्रियाँ पड़ी हैं, बहुत कुछ पड़ा है यहाँ पर, लिफ्ट भी है, और पीछे भी काफ़ी सारी आइटम्स पड़ी थी यहाँ पर, लाइक ग्राइंडर और दूसरी वाली चीज़ें। यहाँ पर चमचों का स्टैंड भी है जो कैसे करके रोटेट करता है, वाओ। और यहाँ पर इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें ही पड़ी हैं, पता नहीं क्या पड़ा है यार। हम वहाँ नीचे थे और वो सारी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें पड़ी हैं, कढ़ाई शायद हमें यहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर कुकर भी पड़े हुए। यहाँ पर जो है ना मेरी फ़ोन की बैटरी बहुत कम है, मैं दुआ करूँ कि बस किसी तरह अपना ब्लॉग पूरा कर लूँ। यहाँ पर कढ़ाई मिली है, बड़ी है लेकिन गहरी नहीं है, वही इतनी छोटी छोटी साइज़ की कढ़ाइयाँ, ये देखें। और आप लोग को एक और चीज़ दिखाता हूँ, हम लोग तो आम कुकर बनाते हैं, इसमें गोश्त मुर्गियाँ बनाते हैं, यहाँ पर ह्यूज साइज़ बड़ा कुकर है, और इसकी प्राइस है 1499 रियाल। सबसे बड़ा कुकर आगे फिर साइज़ है, और इसमें मंदी डाल सकते हैं मेरे ख्याल में, और ये छोटी मोटी चीज़ ढकने के लिए। और यहाँ पर देख मेरा फ़ोन बंद होने वाला है, बस मैं चाह रहा हूँ फिर मैं किसी तरह बस कर लूँ। मामा कहाँ हैं आप? यहाँ पर वो आगे सारी ट्रेस पड़ी हुई हैं, उधर क्रॉकरी और उधर इलेक्ट्रिक सामान पड़ा है, कॉफ़ी मेकर, वो नीचे आपका पानी गर्म रहेगा, वो वाली कैटल्स पड़ी हैं, वो ग्राइंडर पड़े हैं, चीज़ें पड़ी हैं यहाँ पर सारी की सारी। और अब हम नीचे जाते हैं, देखते हैं कि कहीं और शायद हमें मिल जाए। ये देखें इधर, ये आई थिंक सो हॉट पॉट्स पड़े हैं छोटे छोटे साइज़ के, ये इस तरह वुडन के हैं, फिर आगे स्टील के हैं, मार्बल शक्ल के। उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाते हैं चमचे, चमचे बहुत प्यारे हैं, वुडन फेस वुडन है मेरे ख्याल में, ये जैनवन वुड नहीं, वुड है, जैनवन वुड है ये। ये देखें इतने बड़े बड़े थाल और चीज़ें पड़ी हैं यहाँ पर, चले मिली तो है हमें काफ़ी काफ़ी बहुत बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ी बड़ी भी मिली है, लेकिन उनका एक तो साइज़ छोटा होता है या किसी का ढक्कन ही नहीं है, तो इस तरह की हमें मिल रही हैं। सब ने यहाँ सब छोड़ दिए, बाकी देखते हैं हमें चाहता ला के मिली, वरना फिर किसी और चीज़ें बना लेंगे हम लोग। अब यहाँ पर हम लोग को तो कढ़ाई नहीं मिली है, इसीलिए अब मैं घर जा रहा हूँ, इंशाल्लाह घर जाकर मामा किसी और चीज़ में कढ़ाई बनाएंगी, लेकिन कढ़ाई की वीडियो आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में लेगी, क्योंकि उनकी बैटरी वीडियो बिल्कुल ख़त्म है, मेरा फ़ोन मरने वाला है। उसको मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब हम कढ़ाई के रिव्यू और कढ़ाई चखेंगे और कढ़ाई बनते हुए आप लोग कहेंगे, तब तक जाकर ना खरीदा।